नमस्कार दोस्तों, स्मिता सुमन किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको कच्चे आम की सब्जी बनाना सिखाएंगे और इसको हम ऐसी सब्जी है जिसे हम 4 से 5 दिन स्टोर भी कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और इसके लिए हमें बहुत ही कम सामान की जरूरत पड़ती है। आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये लिए है मैंने 200 ग्राम कच्चे आम, इनको मैंने धो के पोंछ के रख लिया है। और 200 ग्राम कच्चे आम लिए, 150 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। गुड़ की जगह आप चीनी भी ले सकते हो अगर चीनी पसंद करते हो तो, लेकिन हमें गुड़ पसंद है इसलिए हमने गुड़ लिया है। 1 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक। बहुत ही कम सामान इसके लिए हमें चाहिए। सबसे पहले अब हम इस कच्चे आम का छिलका उतार के और इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेंगे। दोस्तों इस तरह से हम इसके ऊपर का पूरा छिलका हटा देंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे इस तरीके से। दोस्तों मैंने कच्चे आम को छील के और इनके इस तरीके से स्लाइसेस बना लिए हैं। अब हम इसको बनाते हैं, चलिए देखते हैं। कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले मेथी डालेंगे। तेल अभी हल्का गरम है। तेल हमारा गरम हो गया है, सबसे पहले अब हम इसमें मेथी दाना डाल देंगे। हल्का सा फ्राई होने के बाद और कटे हुए स्लाइसेस हम इसमें डालेंगे। हल्का हल्का हम इनको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें ये मसाले जो हमने नमक हल्दी मिर्च ली थी इनको डाल देंगे। सबको इकट्ठा डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई करके अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए और थोड़ी रसीली बने। उसके बाद जब ये पकने को हो जाएगी तब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अभी हम इसको ढक के रख देंगे, प्लेट लगा के उसको ढक देंगे और 3 मिनट बाद हम इसको देखते हैं, फिर इसमें गुड़ डालेंगे। दोस्तों 4 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। इसको आप थोड़ा सा तोड़ के भी देख सकते हैं पका कि नहीं। अभी ये थोड़ी कच्ची है, 1 से 1.5 मिनट के लिए हम फिर से इसको ढक के रख देंगे। चेक कर लेते हैं, वापस हमें 3 मिनट हो गए हैं। आप इसे इस तरीके से इसको देखिए, ये पक गई है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अगर आपको चीनी डालनी है तो आप चीनी डाल सकते हैं, लेकिन हमें गुड़ पसंद है इसलिए हम गुड़ डाल रहे हैं। गुड़ को आप तोड़ के डालें जिससे जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और अगर चीनी डालनी है तो आप चीनी डालिए और कम ज़्यादा मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको नहीं ढकेंगे, ऐसे इसको पकाएंगे थोड़ी देर। देखिए दोस्तों हमारी खट्टी मीठी कच्चे आम की सब्जी बनके तैयार है। ये अच्छे से पक भी गई है और एकदम जूसी बनी है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं ठंडे। देखिए दोस्तों
कच्चे आम की खट्टी मीठी हुई सब्जी हमारी बनके तैयार है और इसको बनाने में हमें 6 से 7 मिनट लगे हैं। जब आप गुड़ डालते हैं तो उसके बाद आपको ढक के नहीं पकाना है। और दूसरा, अगर आप दोनों चीजें डालना चाहें, गुड़ और चीनी, तो आधी आधी करके दोनों चीजें भी आप डाल सकते हैं। उसे कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए बहुत अच्छी हमारी सब्जी बनी है, देखिए। और ये इसे आप 15 दिन तक भी रख के खा सकते हैं।